संताप को गंगा मैया हर लेती है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था, कैसे? वही गंगा माँ के स्नान से। पर वो गंगा माँ आई थी बड़ी कठिनता से, राजा सगर के 5 पीढ़ियों ने मिलकर के तप किया, तब माँ गंगा प्रकट हुई। राजा सगर के बेटा थे असमंजस, उसका बेटा था अंशुमान, फिर दिलीप, महाराज दिलीप, और उसी का बेटा था महाराज महाप्रतापी राजर्षि भरत, मतलब ये भागीरथ है, भागीरथ। तो ये राजा सगर से भागीरथ तक का 5 पीढ़ियों ने तप किया, कठोर तप, और तब क्या हुआ, तो गंगा माँ प्रगट हुई। मतलब हम लोग चाहते कि फिर ये मैं डुबकी लगा के एकदम पास हो जाए, अच्छा होता है क्या? माँ गंगा जी तप से प्रगट हुई, मतलब क्या है, मतलब यह कि आपको तप करना पड़ेगा और तब गंगा जल काम करेगा, समझ में आई बात? क्योंकि गंगा माँ तप से ही प्रकट हुई थी, और माँ गंगा बोली भी थी कि राजन मैं इस धराधाम पर जाऊंगी, हर लोग तो बड़ा होशियार है, मारेगा डुबकी का सब छोड़ दिए गंगे जी में, अब तो हम शुद्ध हो गए, तो फिर मैं ये पाप कहाँ रखूंगी। भगीरथ भी बड़े ज्ञानी थे, कहते माँ ये पाप तुम समुद्र को दे देना, क्योंकि गंगोत्री से जब गौमुख से जब गंगा मैया प्रकट होती है तो उधर कर्ण प्रयाग रुद्र प्रयाग में अलकानंदा आदि नदी में बट करके फिर ऋषिकेश उत्तर काशी ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए गंगा माँ इधर भागलपुर में भी है ना, तो बहते बहते आगे कुरसेला से आगे कोसी गंगा जी में मिलती, इसीलिए उसका नाम कुरसेला पड़ा, और वहीं गंगा मैया आगे जाते जाते बंगाल के खाड़ी में गंगा सागर में जाके मिल जाती है समुद्र में। तो यही राजा भगीरथ कहते हैं कि माँ तुम्हारा जो भी पाप ताप है ना, जो ये जो भक्त लोग धो देता है, तुम समुद्र को दे देना, समुद्र तो बहुत है, बड़ा है, तो उसमें पतो नहीं चलेगा पाप कहाँ चला गया। फिर समुद्र बोला कि यदि मेरे पास ज्यादा पाप होगा तो मैं क्या करूंगा, तो राजा भगीरथ कहते कि तुम बादल को दे देना, क्योंकि जब कड़ाके की धूप होती है ना तो वही समुद्र का पानी बादल बन जाता है ना, वाष्प बन के बादल हो जाता है ना, तो तुम अपना पाप बादल को दे देना। तो बादल बोला कि हम क्या करेंगे, पाप को इतना संभाल पाएंगे? तो राजा भगीरथ कहते जिन्होंने पाप किया उसी पर बरस जाना, बात समझ में आई? तो गंगा जी में नहा करके जो होशियारी करते कि पाप को धो लेंगे, वो पाप कभी नहीं धोलेगी, वो फिर आकर के आप ही के ऊपर बरस जाएगी, क्योंकि जब तक आप तप नहीं करेंगे वो पाप साफ हो ही नहीं सकता है। तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल करई विष्णु जगत्राता, तपवल धरई शेष मही भारा, तपवल करई शंभु संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, जाय करहु तप अस जिय जाने। तो तप के आधार पर सारी सृष्टि टिकी हुई है, बिना भीर का खीर होता है, होता है? अब खीर चावल दूध चीनी चढ़ा दीजिए चले जाइए उधर रघुनाथपुर मवेशी हाट, इधर खीर होगा कि क्या होगा, हंडी पसली सब जल जाएगी, तो खीर को घाटते रहना पड़ता है, तब होता है, बिना भीर का खीर नहीं होता है। नो पेन नो गेन, अभी देखिए नाच नटंगी एकदम टकटकी लगाए नीचे धरती ऊपर आसमान, कुछ नहीं है, जतला खेत है, कहाँ क्या है कहना मुश्किल है, रात भर में ठंडी नहीं है, लेकिन अभी कुंटी भर का उधर बैठे हैं, तो कुछ भीर लगाना पड़ता है ना। सत्संग में सत्संग की मर्यादा है, जहाँ भगवान का ईश्वर का गुरु का फोटो उसके सामने हाजिर होना चाहिए, कोर्ट में क्या उसके वकील के पीछे पीठ पर खड़ा रहते हाँ हम हाजिर हो गए, सामने बैठना चाहिए 2-4 मिनट आधा घंटा के लिए, कौन सी ठंडी पल्ला गिर रहा है, अने पल्ला गिरेगा तो नेचल का तिरपाल ओढ़ लीजिए। तो इसलिए थोड़ा तप करना पड़ता है। देवघर जाते हैं, सामने में भोला बाबा का मंदिर है, अब सामने में सीधे भूल जाएंगे तो होगा, रास्ता तो छोटा है,
वही भूल भुलैया बना दिया, घूमते रहिए लगता कि पहुंच रहे, कहीं नहीं पहुंच रहे, वही घूमिए रहे हैं। 72 घंटा के बाद सामने पहुंचते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। पुलिस वहां 4 पुलटी देता, कहता यही जल डाल, तब देखेंगे कैसे। कहते वहां देखो स्क्रीन में वल्लभ बाबा के पास जल पहुंच गया। पर ये तो प्रत्यक्ष है, सत्संग जो होता है ये प्रत्यक्ष गंगा धारा है। तो इसलिए भगवान का ये स्थान है, जहां साध मेरो जस गावे तहां करो मैं वासा, साध चले आगे उठे धावे, मोहे साध की आशा, नारद साध सो अंतर नाही। भगवान कहते हे नारद जी, जहां संत महापुरुष मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहां प्रत्यक्ष में निवास करता हूं। यहां बड़ा मेहनत, लेकिन वहां देखिए कितना कुहवा पावन सह करके एकदम लाठी पुलटी घसाट पिसाट, फिर वो एकदम कहते हाँ कुछ करके आए, जबकि कुछ वो नहीं हुआ, इसके सामने कुछ नहीं हुआ। हुआ तो कुछ जरूर, पर जहां तक सत्संग की महिमा की बात है तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा मन इसमें लगा रहता है, तो जानिए हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। इसीलिए गंगा जी में स्नान करना करके डुबकी लगा लेते हैं, कहते हम सब कुछ से निवृत्त हो गए, कहां हुआ, क्यों हुआ, क्यों होगा, इसलिए नहीं होगा। यदि आपको फल नहीं मिल रहा है ना, अब डुबकी लगाए, शास्त्र में लिखा है कि ये हो जाता है वो हो जाता है, हुआ कुछ होने, तो इसका मतलब गंगा जी में शक्ति नहीं है क्या? गंगा जी में शक्ति थी, है और रहेगी, पर आपको नहाने का ढंग ही नहीं। आप गए पैसा लाने, नकली नोट ले लिया, बस कह रहे कि सामान को दिए नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ? सामान यदि नहीं मिल रहा है तो दुकानदार की गलती नहीं है, आपके पास नोट ही नकली है। इसी तरह से हमने पुण्य कमाने के लिए गंगा जी में स्नान किए, पर उस पुण्य जो नहीं मिल रहा, फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हमने असली गंगा जी को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं और उसमें नहाया ही नहीं। वही है कि थोड़ी देर हमारा मन सत्संग भजन में लग जाए, मानिए कि डुबकी लगा लिए, पुण्य मिल जाता है। तो ये जो भक्ति की चर्चा है, यही है गंगा जी की धारा। तो इसीलिए जहां कहीं भी चर्चा हो ना, तो पहले जजमेंट नहीं देना चाहिए, धो कौन सी है, कहाँ है, क्या है, कुछ हो है, क्या होगा, नहीं होगा, चलो छोड़ो झंझट, पहले से मूड खराब करके वह भी नहीं करते। आते भी हैं तो उसको अच्छे नहीं लगता, क्योंकि दिमाग में पहले उल्टी बात सोच लिए हैं। तो यहाँ आते हैं छटपट छटपट करेंगे, भाग खड़े होते हैं, तो इसलिए मन नहीं टिकता है, क्योंकि हम तो इसका महत्व ही नहीं दिए कि ये तो गंगा जी है, हम गए किनारे से भाग गए तो कंची मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी देर सही कहीं भी जाए, मन में पहले से विश्वास रखें कि सत्संग जो है, कीर्तन जो है, कथा जो है, यही धारा है, एक बार डुबकी लगा लो। अष्टजाम ही हो रहा है, पता करते हैं ये रंगीन है कि सादा, लो उसमें भी का पता करते हैं, बोलते नहीं सादे चल रहा, दो तो कौन चीज जाएंगे वहां, रंगीन तो चलो ना, तब सब पूरा कुल खानदान लेके पहुंच जाते हैं। भक्ति भजन कम, नाच नटंग ज्यादा, तो उसमें मन थोड़े लगता है, मन तो आपका विषय बाजार में घूम रहा है, मन तो गमाने गए पाप करने गए, जाप हो गया पाप करने गए, पुण्य लग गया घुन, यही हो जाता है। मन आपका वहां टिकता है लेकिन भगवान में नहीं टिकता है। आप डुबकी लगाने के गए गंगा जी में, नहा लियो गड्ढा में, गंदा पानी में, वो शौचालय का सीवर वाला पाइप जो नाला बहता है उसी में डुबकी लगा लिया, आ गए, कहाँ गए थे गंगा जी नहाने। तो इसलिए जहां भी कीर्तन हो ना, तो सादा कीर्तन में यदि थोड़ा देर ही बैठ जाइए, 10 मिनट आंख बंद करके या बैठ करके ही, थोड़ा देर मन से सुन लीजिए ना, तो जाने की डुबकी लगा लिए। कोई जरूरी नहीं है कि दिन भर डुबकी लगाए रहिए, थोड़ा देर ही सही, उससे भी लाभ मिलता है। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी वो हो जाता है जब थोड़ा देर सत्संग, इसी का नाम है सत्संग, थोड़ा देर मन लग गया। अब मन लगाने से ही लगता है, नहीं तो मन
इतना सा नहीं कि लग जाता है, तो अभ्यास से ये मन लगता है। तो ये गंगा जी की धारा है सत्संग में। इसलिए जब कीर्तन हो तो उसमें मन लगाना चाहिए, कोई प्रसंग हो तो उसमें मन लगाना चाहिए, कोई ज्ञान की बात हो उसमें मन लगाना चाहिए, तब जाने का आप गंगा जी का लाभ ले रहे हैं। जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने जो तप करके माँ गंगा को प्रकट किए, आपको उसको उसको सहजता में ही थोड़ी देर सुन करके उसका पुण्य ले लिए। बड़े बड़े जन्मों का जो दोष है, पाप है, ताप है, उसको मिटा देती है। तो यही है सत्संग में बहता हुआ ज्ञान की गंगा।